तो गाइस यार, आज आप लोगों को पता चलेगा ना कि मैं और सिंचन हम दोनों गए थे बर्गर खाने के लिए। और लिटरली गाइस, हम दोनों पता है चॉप को छोड़ के चले गए। उसको पता चला ना तो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं कि बर्गर अकेले के लिए खा के आ गए हम दोनों। फ्रैंकलिन भैया अभी मत बोलो, अगर चॉप को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने घर पे। वो देख सिंचन, चॉप बाहर ही खड़ा है और देखियो उसको पता ना चले कि हम लोग क्या खा के आए हैं, ठीक है ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप टेंशन मत ले। अरे यार आप दोनों कहाँ गए थे? मैं आप दोनों का बहुत देर से वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा चॉप, तू सो रहा था और हम दोनों को जरूरी काम करने गए थे, इसीलिए हमने तुझे नहीं उठाया यार। अरे ये क्या, आप लोगों में से तो बर्गर की खुशबू आ रही है, बर्गर तो नहीं खाया अकेले अकेले? अरे नहीं नहीं पागल है क्या, हम दोनों वहाँ से गुजरे जरूर थे लेकिन हाँ हमने कुछ खाया नहीं। चल सिंचन चल, हमें फटाफट से खाना भी बनाना है। गाइस अभी बच गए, वरना चॉप को हम पे शक होता ना तो पक्का वो बहुत तेज चिल्लाता हम पर। अरे यार शक होता क्या, शक तो हो ही गया। वो तो फ्रैंकलिन भैया, चॉप बेचारा इतना भोला है कि हमारी बातों में आ जाता है। हाँ गाइस, और आप लोग बता मत देना वरना चॉप हमसे बोलेगा बर्गर खिलाने के लिए। और गाइस लिटरली उसको बर्गर खिलाने जाएंगे ना तो दो चार बर्गर तो यूं ही खा जाता है वो। फ्रैंकलिन भैया फिलहाल तो हम दोनों बच गए, तो आराम से ठंडे दिमाग से बैठे रहो यार। नहीं सिंचन, अभी मैं ना जूस पीने चला। लिटरली गाइस हमारे फ्रिज में ना बहुत सारा जूस रखा हुआ है और उसको पीने के बाद और ज्यादा मजा आएगा। आजा आजा चल पीते हम दोनों। फ्रैंकलिन भैया ये तो ठंडी का मौसम है, इसमें ठंडी चीजें कम खानी चाहिए, समझ गए? अरे कुछ नहीं होगा, मैं काफी ज्यादा ब्रेव हूँ। और लिटरली गाइस यहाँ देखो हमारे जूस का स्टॉक पूरा का पूरा भरा हुआ है। चल तू कौन सा पिएगा फटाफट बता, मैं तो पीऊंगा मैंगो वाला। और तू? ओए सर जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपने तो बताया भी नहीं हमको। अरे हमारे टीम की कोई मदद करे, हम उसी के पास जा रहे हैं क्योंकि लॉस सैंटोस में आए दिन हर जगह आग लगती रहती है और हमें वहाँ जाने में तकलीफ तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारी टीम वहाँ जाके जल्द से जल्द आग बुझाए। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, लॉस सैंटोस में एक आदमी है जिसका नाम सिंचन और चॉप और फ्रैंकलिन है, जो हमारी मदद करेंगे। अरे बॉस, लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेंगे? अबे बताता हूँ, बस उनके घर में हम पहुँच जाएं। अब उनका घर का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, 3692 या 3671 पता नहीं क्या है। वेट, अरे सुना कुत्ते? हाँ अंकल बोलिए। और मैं आपको एक बात बोल दूँ, मेरा नाम कुत्ता नहीं चॉप है, तो अगली बार से मुझे कुत्ता मत बोलना, समझ गए? अच्छा फिलहाल हम सही जगह पे आए, तुम्हारा नाम चॉप है मतलब तुम्हारे मालिक का नाम फ्रैंकलिन एंड सिंचन होगा। हाँ बिल्कुल सही समझा, लेकिन यहाँ पे कोई आग नहीं लगी, यहाँ से जाओ आप लोग यार। अरे नहीं हम कोई आग बुझाने नहीं आए हैं, हम सिंचन फ्रैंकलिन एंड चॉप जो तुम हो तुम लोगों की मदद मांगने आए हैं यार। अंकल आप वो भी मदद, आप तो खुद इतने ब्रेव हो, हमसे कैसी मदद चाहिए आपको? अरे छोड़ो मैं सीधा फ्रैंकलिन से बात करता हूँ। कहाँ गया फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन सिंचन कहाँ हो? अरे फ्रैंकलिन भैया कितने बार बोलूं, मैं जूस नहीं पीता, मैं पीता हूँ मिल्क यार। अच्छा वो देखो वहाँ शायद मिल्क एंड जूस पी रहे हैं वो दोनों। हाय फ्रैंकलिन। अरे हाय, आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? हमारे घर में कोई आग तो लगी नहीं। अरे मैं लॉस सैंटोस फायर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं आपसे हेल्प लेने आया हूँ। एक मिनट, आप खुद इतने ज्यादा ब्रेव हो, आप खुद आग के अंदर जाके लोगों को बचाते हो, आग बुझाते हो, लेकिन मैं आपकी कौन सी मदद करूंगा? अरे यही काम हम आसान करने के लिए आपके पास आए हैं। एक मिनट ऑफिसर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे फिर से समझाइएगा। अरे हाँ देखिए, मैंने सुना है फ्रैंकलिन और सिंचन लॉस सैंटोस में गाड़ियों को लंबी करते हैं, और हमारी फायर डिपार्टमेंट की फायर ट्रक जो बहुत ज्यादा लंबी है लेकिन उसके अंदर एक ही टैंक है। मैंने सोचा क्यों ना आपसे हमारे डिपार्टमेंट के लिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फायर ट्रक बनवाया जाए और उसमें एक साथ सभी ड्राइवर्स आग लगी हुई बिल्डिंग में पानी डाल सकें, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं जाके समझा। मतलब आपकी फायर ट्रक को ना लंबी करनी है। थिनचैन तू समझा क्या? अरे हाँ अंकल, ये काम बहुत अच्छा है और इससे लोगों की और लॉस एंडोस की भलाई होगी, तो हम ये काम जरूर करेंगे यार। एक मिनट, आपको पता नहीं होगा कि मेरी इससे पहले एक शर्त होती है। अरे बोलिए क्या शर्त है, कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं, आप बस वीडियो को लाइक करवा दो और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बस मैं आपका काम कर दूंगा। अच्छा इतना सा? तो गाइस लॉस सैंटोस के भलाई के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जैसी लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाएगा ना, मैं फटाक से आपके पास आ जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया, मैं तो ये सोच रहा हूँ फायर ट्रक जब लंबी हो जाएगी तो वो कैसी दिखेगी यार। अरे वो तो बनने के बाद पता चलेगा सिंचन, बस आप एक बार फायर ट्रक हमारा बना दीजिए, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि वो कैसी लगती है। एक मिनट ऑफिसर, मैं आपको बता दूं, एक लंबी फायर ट्रक बनाने के लिए आपको कम से कम ना 5 से 6 फायर ट्रक चाहिए होंगे, तो आप ना फटाफट इनका इंतजाम कर लीजिएगा। अरे 5 से 6 ये तो हमारे डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है, बस जैसी आपकी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाए तो आप फटाफट आ जाइएगा। अरे हाँ आपने सही बोला अंकल, जब तक आप चलिए हम लोग भी आने का ट्राई करते हैं। ठीक है चुप, फटाक से आना जिससे हम लॉस सैंटोस की भलाई जल्द से जल्द कर सकें। चलो बाय फ्रैंकलिन, सिंचन एंड चुप। हाँ हाँ बाय बाय, हम लोग अभी आते हैं थोड़ी देर में। चलो फिलहाल फ्रैंकलिन, सिंचन और चुप मान गए हैं हमारा काम करने के लिए। कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। फ्रैंकलिन भैया, लाइक सब्सक्राइब तो कब का हो गया, आप जल्दी चलो यहाँ से अब। अच्छा एक मिनट, मुझे भी देखने दे। अबे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बहुत पहले ही हो गया था। सॉरी गाइस, आप लोग ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया लेकिन मैं, सिंचन और चॉप हम तीनों जाना भूल गए। चलो अभी हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी से फटाफट हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। और हाँ गाइस, फायर डिपार्टमेंट के लिए हमें लॉस सैंटोस की लॉन्गेस्ट फायर ट्रक बनानी है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। कोई बात नहीं, वैसे भी सिंचन को और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और हम लोग यहाँ से निकल के पहुँचेंगे फायर स्टेशन, जहाँ पे सारे वर्कर एंड ऑफिसर होंगे। चुप फटाक से बैठ, हमारे पास टाइम बहुत कम है यार। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, फायर ट्रक भी हमें ही बनाना है, तो टेंशन मत लीजिए। सिंचन अपनी काम की स्पीड बढ़ा लियो और क्या। वैसे गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि हम सुबह सुबह बर्गर खा के आए थे, तो मुझे और क्या 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 बोला, बर्गर खा के आए थे? धोखा दिया आप दोनों ने मुझे यार। ओ यार मैं भूल गया कि हमारे साथ चॉप भी है। सॉरी चॉप, मैंने गलती से बोल दिया। नहीं नहीं, हम कोई बर्गर खा के नहीं आए थे। अरे यार बच्चा समझा है क्या, अब तो मैं समझ गया, आप दोनों अकेले अकेले बर्गर खा के आ गए। सिंचन तूने भी धोखा दिया। अरे नहीं चॉप, हम बर्गर खा के नहीं आए थे, बर्गर जहाँ बिकती है ना उसके पास वाली बिल्डिंग में गए थे, कुछ काम था हमको। चॉप सॉरी यार, मैं तुझे बाद में ना बर्गर जरूर खिलाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकलिन भैया, लेकिन बाद में 2 बर्गर एक्स्ट्रा खाऊंगा, ये भूलना मत। ठीक है यार। वैसे गाइस अभी ना हम लोग फायर डिपार्टमेंट पहुंचने वाले हैं, और वेट, फायर डिपार्टमेंट का रास्ता शायद सामने से है। हाँ वो देखो ना, सामने ही तो दिख रहा है। सिंचन मुझे याद तो नहीं था लेकिन हाँ मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ। चलो अभी मैं फायर स्टेशन पहुंच गया हूँ, और वहाँ देखो वहाँ पे दो फायर ट्रक रखा हुआ है। मैंने इनको पहले ही बोला था 2 से काम नहीं होगा, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं माने, अब मैं इनका काम भी नहीं करूँगा। चल सिंचन वो देख, वहाँ पे ऑफिसर भी खड़े हैं, चलो फिलहाल उनसे जाके हम लोग बात करते हैं। अरे सुनिए सर, मैंने आपको पहले बोला था। आओ फ्रैंकलिन आओ, आपका स्वागत है हमारे फायर स्टेशन में। एक मिनट, स्वागत छोड़ो, मैंने आपको बताया था ना कि 5 ट्रक लगेंगे, लेकिन आपके 5 ट्रक कहाँ गए? फ्रैंकलिन भैया वही तो अंकल, यहाँ तो 2 ही ट्रक है, ये तो गलत बात है, फिर हम काम नहीं करेंगे, फिर आप बोलोगे हमको यार। अरे नहीं, 2 ट्रक यहाँ पे है और 3 ट्रक हमारे फायर स्टेशन के अंदर है, तो आप टेंशन ना लीजिए, हमारे पास बहुत सारे ट्रक्स हैं यार। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अरे आप कौन सी प्रॉब्लम, आप यहाँ, सिंचन यहाँ, चॉप भी यहाँ और ट्रक भी यहाँ और हम भी, तो प्रॉब्लम कैसी? अरे नहीं नहीं,
हम लोग बनाएंगे कहाँ पे लॉन्ग ट्रक? अच्छा, ये पूरी सड़क जो खाली है? नहीं, इस सड़क में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो यहाँ पे हम बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या करें, हम कहाँ जाएं यार? फ्रैंकल भी एक काम करते हैं, हम लोग एयरपोर्ट में चलते हैं। गाइस सही में एयरपोर्ट में बहुत जगह होती है और वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होती यार। और हाँ, ये जो ट्रक है ना, इस ट्रक के ऊपर हम लोग फायर डिपार्टमेंट की ट्रक लेके जा सकते हैं। अरे हाँ, वैसे भी ये हमारी फायर डिपार्टमेंट की ट्रक है यार। फ्रैंकल भैया, लेकिन आपको लगता है वो लाल वाली ट्रक का वेट ये ट्रक उठा लेगी? अरे हाँ भाई, इसी ट्रक में तो सारे ट्रक्स आए हैं, तो क्यों नहीं उठा पाएगी। चलो फिलहाल ठीक है, तो एक काम करिए, आप ना फटाफट वो दोनों ट्रक इस ट्रक के ऊपर रखिए। बाकी तीन ट्रक कहाँ पे रखा है, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे वो अंदर रखा हुआ है, आप आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। फ्रैंकल भैया, ये तो बहुत बढ़िया है, चुप, तू वहीं पे रहेगा क्या? हाँ यार, मैं आप दोनों से नाराज हूँ, जब तक बर्गर नहीं खाऊंगा जब तक शांत नहीं होऊंगा यार। वैसे गाइस, मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया था बर्गर के बारे में, लेकिन चॉप ने वो सुन लिया लिटरली। अभी वो हम दोनों से ना बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको शाम में ना बर्गर खिला दूंगा, वो भी दो दो। चलो फिलहाल हम लोग फटाक से चलते हैं और ये फायर ट्रक लेके फटाफट हमें लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट में पहुंचना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो लॉस सैंटोस में हमारा बहुत नाम हो जाएगा यार। और वैसे भी हमें लॉस सैंटोस में ना काफी लोग जानते भी हैं। तो गाइज, यहाँ पे एक दो तीन तीन फायर ट्रक्स हैं, इन्हें फटाफट से ना वहाँ जाके बड़े वाले ट्रक में रखते हैं। साइड हट जाओ। और हाँ गाइज, इसके अंदर तो पानी भी पूरा भरा हुआ है। सिंचन मारू किसी के ऊपर? अरे हाँ, एक बस कार के ऊपर मारो ना, ट्राई तो कर लो, सब कुछ ठीक तो है ना। सही बोल रहा है सिंचन। और ये साथ के साथ ना कार वॉश भी हो गई। लो गाइज, हम यहाँ पे टेस्ट कर चुके, इस वाली गाड़ी को भी वॉश कर देते हैं। फिलहाल ना गाइज, बिल्कुल परफेक्ट है ट्रक। चलो फटाफट से ना इस वाले ट्रक को फटाक से रखते हैं उस ट्रक के ऊपर। और गाइज, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रक तो रखा गया है, अभी हमें और पांच ट्रक रखने। अरे फ्रैंकलिन सर, फटाफट पीछे लाइए। हाँ हाँ, यहीं खड़ा कर दीजिए, हमारे बंदे लोग इसको रख देंगे। सही बोल रहे हो, फटाफट से रखो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। और गाइज, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रक तो रखा गया है और पांच ट्रक रखना है, जो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अरे वहाँ क्या कर रहे हो, फटाफट ट्रक लाओ और ऊपर रखवाओ, ठीक है ना? अरे हाँ बस, दो मिनट अभी लाए। अरे जल्दी उठाओ ट्रक, वरना फ्रैंकलिन सर और हमारे बॉस गुस्सा करेंगे। ठीक है लाओ, जल्दी लाओ। और गाइज, यहाँ देखो एक एक ट्रक में ना बहुत ज्यादा पानी है। चलो फिलहाल इस वाले ट्रक को ना ऊपर रखते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। अरे फ्रैंकलिन सर, आप अकेले रख लीजिएगा क्या? अरे नहीं नहीं, पीछे से मदद करो, सबके सब आ जाओ इधर और फटाफट से मेरी मदद करो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बोला है, सब लोग जल्दी आओ और हम लोगों की मदद करो यार। ठीक है, ओके गाइस, अभी काफी ज्यादा मेहनत के बाद ना हम लोगों ने सारे ट्रक्स को ऊपर रख दिया है। और आप लोग देखो ये कितना ज्यादा बड़ा है, और ये टोटल गाइस यहाँ पे 6 फायर ट्रक्स हैं। और हाँ, अभी फिलहाल हमारा काम खत्म हो गया है, अभी इसको लेके ना फटाफट से हमें जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाके गाइस, अरे गाड़ी आ रही है सिंचन, ध्यान से आइयो इधर। अरे हाँ, मुझे भी दिख रहा है कि कार आ रही है स्पीड में। अरे फ्रैंकलिन सर, आप फटाफट से उस फायर ट्रक को बना के यहाँ लेके आइएगा फायर स्टेशन में, जब तक हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है ऑफिसर, हम आपको फटाफट आपका काम करके दे देंगे। और हाँ, जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा हम वो ट्रक फायर स्टेशन लेके आ जाएंगे। थैंक यू फ्रैंकलिन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रैंकलिन भैया चले क्या? हाँ हाँ, चलते हैं फटाक से। तो गाइज, वो देखो वो रखा हमारा ट्रक, और इसको फटाफट यहाँ से लेते हैं और चलते हैं हम लोग। अरे यार, मुझे भूल गए क्या फ्रैंकलिन भैया? अरे नहीं चौप, तुझे नहीं भूले हैं। एक मिनट, ट्रक को अटैच करके ना हम उधर लेके आते हैं ट्रक को, तब तू डायरेक्ट बैठ जियो यार। ठीक है, मुझे लगा मुझे भूल गए। फ्रैंकलिन भैया, जब आप बर्गर खाने गए तब भी अकेले गए, और अब यहाँ से जब निकल रहे हो तो मेरे से पूछा भी नहीं। अरे चौप, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, एक मिनट।
और तू डायरेक्ट बैठ जियो। मैं सोच रहा था कि चॉप नाराज ना हो जाए, लेकिन गाइस लिटरली ये वाला ट्रक ना काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। और तो और चॉप जल्दी बैठ, हम लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा कम है यार। ठीक है मैं बैठ चुका हूँ। गाइस यही में चॉप लगता है, जब तक बर्गर नहीं खाएगा ना जब तक मानेगा नहीं। चॉप टेंशन ना ले, मैं तुझे पूरे 5 बर्गर खिलाऊंगा यार। और गाइस आप लोग को एक बात और बता दूं, जो ये फायर ट्रक्स है ना ये काफी ज्यादा बड़े हैं। और हाँ, अगल बगल से जो गाड़ी आ रही है ना इससे टकरा जा रही है, लिटरली सबके सब साइड हो जाओ, थोड़ा नुकसान हो सकता है आप लोग का। अरे थोड़ा नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, इसलिए बीच में ना आए, हम लोग सामने आए तो लेफ्ट और राइट हो जाएं सब लोग यार। और साइड हट जाके, थोड़ा रिक्वेस्ट आप लोग से कि हट जाओ सामने से। ऑल राइट गाइज, अभी मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ ना जहाँ बहुत ज्यादा कम भीड़ होती है। चलो फिलहाल ना हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के पास। तो गाइज ये देखो कितना ज्यादा बड़ा ट्रक है, लिटरली। अबे यार साइड हट जाओ। टैंगल भैया कितना भी बोलो ये लोग सुनने वाले नहीं है, मैं बोलता हूँ पुलिस आ गई, ओए भागो। गाइस सही में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बोलता हूँ 2 मिनट। अरे हट जाओ अंकल, हमें काम करने जाना है। 1 मिनट चॉप, अब मैं बोलता हूँ साइड हट जाओ वरना सबको दबा दूंगा गाड़ी से। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। देखा ये लाइन बोलते के साथ ना सारे के सारे अपने आप साइड हो जा रहे, आ जाओ मेरे आगे बिल्कुल दबा दूंगा। ऑल राइट गाइज, देखते ही देखते मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट के गेट में। अरे फटाफट खोलो, यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा लोड है। ऑल राइट गाइज, और लो हम लोग सीधा अंदर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जाए जहाँ पे हम लोग अपने फायर ट्रक्स को बना पाए यार। फ्रैंकलिन भैया इतने बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ मर्जी वहाँ चल लो, काम तो मैं कर ही लूंगा यार। अरे नहीं नहीं, जहाँ मर्जी नहीं, बीच में जाएंगे ना तो एरोप्लेन आएगा और उस साइड वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सामने देखो गाइस पूरा का पूरा स्पेस खाली पड़ा है, ना यहाँ पे कोई काम कर रहा है ना यहाँ पे कोई एरोप्लेन है। चलो ये जगह ना मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, और यहाँ गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाता हूँ और थोड़ा आगे और बस 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 रुक जाए फ्रैंकलिन भैया। गाइस सही में इस जगह में तो बहुत कम लोग हैं और यहाँ पे हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाएगा यार, और हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। फिलहाल गाइस 1 2 3 4 5 टोटल 6 फायर ट्रक्स हैं, इनको फटाफट नीचे उतारते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सिंचन वो जो नीचे रस्सी है ना उसको खोल दे यार। अरे हाँ 2 मिनट अभी खोल देता हूँ। ऑल राइट गाइस, अबे फिलहाल ना सारे फायर ट्रक्स को नीचे उतार लिया गया है, और आप लोग देख रहे हो ये लिटरली बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ लेकिन इनकी हाइट थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं। और चॉप देखो गाइस हम लोग से गुस्सा है, वो साइड में बैठा हुआ है। जो भी हो चॉप मैं तुझे बर्गर जरूर खिलाऊंगा यार। अरे यार मैं गुस्सा नहीं हूँ इस बार तो, सच में मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, अभी मैं आपकी हेल्प भी तो नहीं करवा सकता ना यार। ठीक है सही है, तो साइड में खड़ा है। चलो गाइस हम लोग फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं और फायर ट्रक्स को ना बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो ये दूसरी वाली गाड़ी, चल सिंचन एक काम करता हूँ, इसका काम ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ये करता हूँ और तू एक काम कर सारे ट्रक्स को ना फटाफट लाइन में लगा, ठीक है ना। अरे ठीक है मैं वो भी काम कर लूंगा। गाइस देखो फ्रैंकलिन भैया तो काम करना शुरू कर गए, चलो चुप हम काम करें क्या। हाँ चल सिंचन मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। ठीक है गाइस चलो ट्रक को लाइन में लगाना है, लेकिन ये काम तो फ्रैंकलिन भैया करते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा फ्रैंकलिन भैया। नहीं नहीं तेरे से होगा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो काफी ज्यादा हार्ड है, वो तेरे से नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये जो मशीन है ना बहुत ज्यादा भारी होती है, इसीलिए सिंचन को मैंने बोला है सभी गाड़ियों को लाइन में लगाने के लिए यार। ठीक है फ्रैंकलिन भैया लाइन में लगाता हूँ, बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए। सीधी तो है और ये सामने भी लग रहा है। हाँ गाइस सीधी तो है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। चलो गाइस सही में मैं तो लगता है हर काम में स्पेशलिस्ट हूँ यार। चलो ठीक है फटाफट लगा दे, अपना टाइम वेस्ट मत कर, हमें बहुत ज्यादा काम करना है। लिटरली गाइस ये मशीन ना बहुत ज्यादा भारी भी है और इसको चलाना बहुत ज्यादा हार्ड है। फिलहाल सिंचन को मैंने ना बहुत ज्यादा इजी काम दिया है, आराम से फाइटर को चलाएगा और उसको लाइन वाइज लगाएगा यार। अरे हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन फ्रैंकलिन भैया
छोटी सी गलती और सारा काम चौपट यार। इसलिए गाइस मुझे लाइन से लगाना है और आगे वाले ट्रक को धक्का नहीं देना, बस बिल्कुल बराबर लगा हो और इक्वल में लगा हो, एक बार देख लेता हूँ। हाँ गाइस बराबर तो लगा है, वाह सिंजन वाह, दिन प्रतिदिन मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ चौप। हाँ यार वो तो मैं भी देख रहा हूँ गाइस, सही में सिंचन तो बहुत सारे काम अकेले कर लेता है। मुझे भी नहीं पता कैसे कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना लगता है मैं थोड़ा स्पेशल हूँ यार। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा तारीफ होगी खुद की, अभी एक काम कर फटाफट काम कर वरना हम लोग लेट हो गए ना, लिटरली शाम हो जाएगी और शाम होते के साथ रात हो जाएगी और हम लोग यहीं रह जाएंगे। हमें काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। सिंचन फटाफट लास्ट वाली गाड़ी लाइन पे लगा और हाँ तो उधर काम करना स्टार्ट कर दियो। अरे आप टेंशन ना लो, मैं समझ गया क्या करना है। सिंचन बिल्कुल इक्वल लगाइयो ठीक है। अरे हाँ मैं तो वही ट्राई कर रहा हूँ, ये बराबर नहीं, बराबर अभी भी नहीं हुआ। सही में यार ये तो बहुत हार्ड काम है। फ्रैंकल भैया आप ये काम कैसे कर लेते हो यार? अबे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, इसीलिए। अब एक काम कर ऊपर जा और सभी टैंक से पाइप को वेल्डिंग कर, जब तक मैं अपना काम खत्म करता हूँ। सारे पाइप को एक में ही कनेक्ट करना है क्या? हाँ हाँ, जैसे एक दूसरे का वाटर ना ये ट्रक यूज कर सके यार। चलो फ्रैंक भी मैं समझ गया गाइस, सही में ये भी हार्ड ही काम है, लेकिन मैं कर लूंगा। ये रहा पाइप और यहाँ से इसको वेल्डिंग कर दूंगा। ओह भाई मजा आ रहा है। हाँ हाँ कर, मेरा काम तो खत्म हो गया। तो गाइस अभी सिंचन अपना काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो जो भी हो अपना काम वो खत्म कर देगा और जैसे ही उसका काम खत्म होगा गाइस तब मैं आप लोग को दिखाऊंगा फाइनली हमारा फायर ट्रक कैसा दिख रहा है और कितना लंबा है। लिटरली गाइस फायर स्टेशन के लोग तो खुश हो जाएंगे, इतना लंबा फायर ट्रक वो भी लॉस एंजेलोस में। एंगल भैया ऐसा बनेगा, लोग तो देखते के देखते रह जाएंगे यार। ऑलराइट गाइस यहाँ देखो हमारा फायर ट्रक बनके तैयार हो चुका है और सिंचन और मेरा काम खत्म। तो आप लोग देखना चाहते हो हमारा फायर ट्रक तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऊपर देखो चॉप तो पहले ही बैठ चुका है और गाइस यहाँ एक दो टोटल 6 फायर ट्रक लाइन वाइज लगी हुई हैं। और हाँ आप लोग को बता दूं ये सारी ना एक साथ सबके ऊपर पानी डाल सकती है, बस यहाँ ड्राइवर 6 चाहिए, एक बंदा ना सब में पानी नहीं डाल सकता यार। फ्रैंकल भैया अब इतने सारे मशीन लगे हैं तो अकेला आदमी थोड़ी काम कर पाएगा। हाँ वही, आजा इसको एक बार चला के देखते हैं और ये भी टेस्ट करते हैं कि हर फायर ट्रक पानी बराबर निकाल तो रहा है ना। चुप, तुझे गीला होने में कैसा लग रहा है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अभी तो बहुत धूप है यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो ठीक है, और गाइस ये भी परफेक्ट है, एक बार इसको भी ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि पानी बराबर फेंक रहा है कि नहीं। और हाँ प्रेशर अगर अभी बिल्कुल ठीक है। सिंचन मजा आ गया, सारे फायर ट्रक बिल्कुल परफेक्ट है यार। फ्रैंकल भैया पहले ट्रक ही चला के देख लो, ट्रक चल भी रहा है या नहीं चल रही यार? ट्रक शायद चलेगा क्योंकि सारा काम परफेक्ट हुआ है और गाइस ये मूव भी कर रहा है। सिंचन ये पीछे क्यों जा रहा है? सॉरी मैंने रिवर्स गियर डाल रखा था। सिंचन यार फटाक से बैठ जा, अभी इसको देखते हैं भगा के यार। फ्रैंकल भैया 2 मिनट अभी बैठा, अब भगा के देखो, अब तो मैं अंदर बैठा हूँ यार। और गाइस ये देखो बिल्कुल परफेक्ट पानी फेंक रहा है और लिटरली इसकी स्पीड चेक करते हैं कि इसकी स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है या स्लो हो गई है। नहीं स्पीड तो बिल्कुल परफेक्ट है गाइस, मतलब ये फायर ट्रक ना काफी ज्यादा बेहतर है। 1 मिनट इसको फुल स्पीड में भगाते हैं यार। चलो भगाओ गाइस, सही में लॉस एंजेलोस की सबसे लंबी फायर ट्रक आप लोगों के सामने है यार। और तो और इसकी ब्रेकिंग देखो गाइस बिल्कुल मस्त। अभी टर्न मारते हैं और एक बार फिर से भगाते हैं, वो भी फुल स्पीड में, 1, 2 और 3। अरे फुल स्पीड में मत भगाओ, पानी का टैंकर लीक हो जाएगा तो क्या करोगे? अरे नहीं होगा, ये फायर ट्रक है, आम टैंकर्स नहीं है, इसके अंदर बहुत बढ़िया मटेरियल यूज होता है। और गाइस ब्रेक लिटरली काफी ज्यादा बढ़िया ब्रेक है, तुरंत टर्न मार लिया और तुरंत के तुरंत ब्रेक भी लग गया। चलो अभी ये ट्रक बिल्कुल बढ़िया है, अब इसको उठाते हैं और फटाफट चलते हैं फायर स्टेशन में और वहां जाके ऑफिसर को ये वाला ट्रक दे देते हैं यार। फ्रैंकल भैया वो तो देखेंगे तो पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चुप, तुझे क्या लग रहा था ऐसा ट्रक बनेगा? इंजन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ट्रक इतना अच्छा और इतना लंबा बनेगा, मुझे लगा आप लोग नहीं बना पाओगे यार। अच्छा
फिलहाल तो बन गया है। साइड हट जाओ। लॉस सैंटोस की लॉन्गेस्ट फायर ट्रक अपने रोड में भाग रही है। अरे देखो भाई, इतनी लंबी ट्रक है वो। हाँ हाँ हाँ। और गाइस अभी फिलहाल ना फटाक से चलते हैं फायर स्टेशन में और वहाँ जाके इसको हैंड ओवर करते हैं ऑफिसर के हाथ में। ऑल राइट गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ लॉस सैंटोस के बीचों बीच। अरे लॉस सैंटोस में इतने लंबी फायर ट्रक, लगता है बाहर से मंगाई होगी। अरे नहीं, ये हमने बनाई है। और गाइस लिटरली जिसे देखो ना वो देख के चौक जा रहा है। और साइड हट जाओ, हटो हटो हटो, थोड़ा साइड हट जाओ। फ्रैंकल भैया, सच्ची में लगता है लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये एक काम एक छोटे से बच्चे ने और आपने मिलके किया है यार। और लो गाइस, फिलहाल हम लोग पहुंच गए फायर स्टेशन में और वो देखो वहां पे ऑफिसर। अरे फ्रैंकलिन सर, इतने लंबे फायर ट्रक, एक काम करिए इसको थोड़ा साइड में लगाइए, वरना ये आधी ट्रक तो रोड में ही आ रही है। ठीक है, एक मिनट, ये जगह बिल्कुल ठीक है ना? हाँ सर, वो जगह बिल्कुल ठीक है। हम अभी आए और देखें कि ये ट्रक कैसी बनी है। हाँ हाँ, आप लोग आ जाइए। अभी आए फ्रैंकलिन सर, सही में आपने जो जो काम किया है ना, बहुत बढ़िया किया है। हम लोग कहीं भी एक साथ जा सकते हैं, और तो और किसी भी बिल्डिंग की आग हम 2 मिनट में बुझा देंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू फ्रैंकलिन सर एंड सिंचन एंड चॉप, तुम्हारा भी थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, इसमें तो लोगों की हेल्प होगी ना। गाइस सही में फायर ट्रक हमने इतना अच्छा बनाया है ना कि हमारे अंकल को भी पसंद आ गया। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लिटरली आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हो। चलो फिलहाल हमारा काम खत्म हो गया, तो सिंचन और चॉप चले घर। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और चॉप, तुझे बर्गर भी तो खाना था। बस हमारे फ्रिज में बहुत सारे बर्गर रखे हैं, चलिए मिलके खाते हैं हम लोग। अच्छा फिर चलो आपका ही बर्गर खाएंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में यार। अरे अंकल जल्दी बर्गर निकालो, भूख लग रही है यार।